हेलो एवरीवन, सो इस व्लॉग में आज हम आपको दिखाने वाले हैं साउथ गोवा। यस, दिस व्लॉग इज अबाउट गोवा टुडे। और आज हम जाने वाले हैं बागा से गोवा, विच इज़ अप्रॉक्स 65 किलोमीटर्स, और वो भी बाय रोड। और डिसाइड हमने टाइम बहुत ही गलत कर लिया था, अभी आगे जाके पता चलेगा। एंड अगर आप, हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आप जाओ तो भाई सुबह सुबह निकलो। और लेकिन हमने साउथ गोवा नहीं देखा था, तो मैं और डैड ने डिसाइड करा चलो घूम के आते हैं। सिर्फ एक दिन रह गया था हमारा वापस देहरादून जाने के लिए, तो भाई डैड की हिम्मत है। और यहाँ से बागा से साउथ गोवा पैलोलियम बीच के लिए हमने लोकेशन डाला है। रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत था। जैसे जैसे साउथ गोवा की तरफ हम जाते जा रहे थे तो भीड़ कम दिख रही थी, और मतलब इतना क्राउड रश ज़्यादा नॉर्थ में ही दिख रहा था। हम बागा की तरफ स्टे कर रहे थे और इतना बड़ा ब्रिज आया अभी ये रास्ते में, और समुंदर समुंदर नीचे, बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है। अप्रॉक्स अभी शाम का सनसेट का टाइम होने ही वाला है, तो आप कंस्ट्रक्शन देखो ये साउथ के रास्ते पे जाते वक्त, वो है ब्यूटीफुल सनसेट विद ओशन व्यू। और यहाँ पर आ गए हैं ये पुराने चर्चेस, आर लेडी ऑफ रोजरी चर्च यहाँ पर है साउथ गोवा, मतलब साउथ गोवा स्टार्ट हो चुका है ये। एंड अभी हम बस जा रहे हैं यहाँ से पैलोलियम बीच। अभी और अंधेरा होने वाला है। ये देखो गोवा नंबर की गाड़ी GA, तो यहाँ के रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं GA। अब यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मतलब सीरियसली बताऊँ आपको, हमें डर लगने लगा था। इवन मेरे डैड को डर लग रहा था, मतलब उन्होंने मुझे नहीं चलानी दी स्कूटी। मैंने बोला डैड आप थक गए होंगे, उन्होंने बोला नहीं। और इतना ख़तरनाक रास्ता था, इतना ख़तरनाक, मतलब सच में लिटरली डर लग रहा था। और रोड पे लोग ही नहीं दिख रहे, बहुत कम इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख रही थी, मतलब रात को। आई वॉन्ट रिकमेंड, ये आ चुका है पैलोलियम बीच का मार्केट। अच्छा वो रिपार्किंग पैलोलियम बीच। बस वेलकम स्कूटी। अभी फाइनली पहुंच गए हम पैलोलियम बीच। तो ऐसा कुछ लगता है पैलोलियम बीच। यहाँ पे भीड़ काफी कम है, फॉरनर ज़्यादा दिखते हैं, और मतलब काफ़ी शांति है। तो भाई नॉर्थ और साउथ में ये है डिफरेंस। तो हमने साउथ गोवा पैलोलियम बीच पे है CRN, तो यहाँ पर मंगाइए रेड स्नैपर फिश, और उसमें आ रहे फ्रेंच फ्राइज, और ये वेजिटेबल्स, और ये ड्रिंक। डेडी अच्छी है। Cause I'm not sure.
तो जब हम फर्स्ट टाइम गोवा आए थे तो हम यहाँ पे रुके थे मरगांव रेजिडेंसी में, और अभी हम बागा में रुके हैं और पैलोलियम, मतलब हमने पूरा गोवा का भ्रमण कर लिया है। तो ये था, मतलब काफ़ी सारी यहाँ से मेमोरीज भी हैं, बहुत ही अच्छी सिटी में था ये पूरा। ये देखिए पूरा, ये है मरगांव, मरगांव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पूरा वॉक करते थे सुबह, यहाँ पे पूरा बन वगैरह का शॉप लगता है। तो ये है वो मरगांव। तो आज लास्ट डे हमारा गोवा में, और ये बागा बीच पे ही इतना टेस्टी है वड़ा और इडली का कॉम्बो अभी हम खा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे बीच पे। है मम्मी कैसा? देखो वही है ना इडली का, ये बड़ा है, वही इडली। भैया सांभर देना, सांभर सांभर के इडली सांभर। है मम्मी टेस्ट चटनी भी बहुत ही टेस्टी। मतलब इतने दिन से, मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह वो बात अलग होती है, लेकिन ये होता है कि मन को और पेट को अच्छे से भरने वाला खाना है ना मम्मी। तो ये है भाई सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे। बाकी ये ब्रेड ऑमलेट यहाँ रेडी होता है, अभी डोसा बन रहा है, बहुत टेस्टी है भैया। जी मैडम, और रेट्स भी काफ़ी जेन्युइन थे। चले चलो चलो। ये है हमारा होटल और कासा पीकॉक, और यहाँ पे होटल के सामने दुकानें थी। इडली का बर्तन देखो भाई, पसीनो। ये 500 की थी पसीनो, एक्टिवा 400 की। तो भाई जाने से पहले तो ये बिरयानी बनती है, बहुत ही सुपर टेस्टी, और 120 की फुल थी, और हाफ 60 की 70 की, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हाँ लेते हैं कि ज़्यादा हो गया। तो ये ले लिया अभी हमने गोवन राइस, तो ये है ऐसे, ये गोवन राइस है, तो ये भी अभी जाके हम बनाएंगे खाएंगे। है मम्मी बनाओगे किसके साथ? फिश करी? फिश के साथ बनाऊंगी, फिश के साथ। चलो आज नहीं खाने, कल खाने, कल खाने। आज नहीं, कैसे दे रहे हैं? थोड़ी थोड़ी। कितने पन्ना? 14। 250 पन्ना? 14। आधा डजन दी भैया, कितने? आधा डजन कितना? 100 रह जाएंगे, फ्लाइट चलेगी।
ये थे देखो पैकेट बना रखे राइस के, ये इसी के हैं, ये अलग है, टूटा हुआ राइस है। मम्मी फिग ट्राई करें, एक दो पीस तो लो फिग वहाँ पे, नहीं वहाँ अंजीर क्या बोलते उसको, रेड ड्रैगन फ्रूट है, क्या है पीस, एक एक पीस कितने का पड़ेगा, एक ही चाहिए, कितने रह जाए, मैंने कहा एक पीस बताओ कितने का है, महंगा है, मतलब बासमती से भी महंगा है, इनके पास भी तो है वो रेड है जो आप खाते हो, मतलब मेन फिश उसके साथ उबड़े दाने थे, अरे ये खट्टा खट्टा होता है ना, ये लिया अभी हमने, नहीं वो वाला चावल लिया, लोकल है ये भी, दिखाना एक सौ दस कौन से ले रहे फिर चावल, लो फटाफट चावल, अच्छा कोकम, इसका एक बार हमने शरबत लेके गए थे कोकम, अच्छा ये कैसे तुम लोग दे रहे, इनके लग गया ना, कितना हुआ 230 एक बार क्यूबा, इसको क्या बोलते हैं ये वाले को, इसको लीची बोलते हैं मैडम, ये लीची है, हमारा लीची तो नहीं, ये इम्पोर्टेंट लीची, वो इंडियन आता है ना, लाल वाला आता है, चलो ट्राई करते हैं ये इम्पोर्टेड लीची, और इस लीची का टेस्ट हमारी लोकल इंडियन लीची से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग स्वीट है, इसका बीज भी बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, चलो बाय, मतलब अगर आपको बुक करना है तो भाई ये टैक्सी है, तो इनसे मैं नंबर मेंशन कर दूंगी, बहुत ही अच्छी सर्विस और अच्छे से घुमाया भी आते वक्त, तो इनसे ज़रूर बुक करिएगा अपनी टैक्सी, और यहाँ की टेस्टी बिरयानी हम यहाँ पर पैक करा के ले आते हैं फ्लाइट में, चिकन बिरयानी बहुत ही टेस्टी, हाय हाय मज़ा आ गया फ्लाइट में गोवा की बिरयानी खा के।